दिल्ली में सबसे बड़े सियासी उलटफेर के बाद आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने दिया इस्तीफा। उपराज्यपाल से मुलाकात के दौरान आतिशी समेत आपके तमाम बड़े नेता और मंत्री रहे मौजूद। आतिशी होंगी दिल्ली की अगली सीएम, आप विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी। सीएम चुनने पर आतिशी ने केजरीवाल का आभार जताया, कहा मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए पार्टी के सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया। केजरीवाल के इस्तीफे पर बोली मंत्री आतिशी, केजरीवाल के इस्तीफे से दुखी दिल्ली के लोग। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमारे नेता केजरीवाल को झूठे आरोपों में फंसाया, दो साल से परेशान किया जा रहा, सीएम की गिरफ्तारी गलत थी। दिल्ली की भावी सीएम आतिशी पर बीजेपी का निशाना, कार्टून जारी करके बताया केजरीवाल की कठपुतली। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा पार्टी का चेहरा बदल सकते हैं मगर पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के धब्बे को छुपा नहीं सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले विपक्ष को नो बॉल और वाइड बॉल फेंकने में ही देश का बेशकीमती समय जाया कर रही है। चीफ जस्टिस के घर गणेश पूजन, विवाद पर पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले समाज बांटने वालों को गणेश पूजन से परेशानी, नफरती सोच समाज में जहर घोलने की मानसिकता। अनुच्छेद 370 पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा असंभव नहीं है 370 की बहाली, पूछा क्या संभव नहीं है, सात जजों की पीठ 370 के पक्ष में सुनाए फैसला। मोदी सरकार 3.0 के सौदन पर गृह मंत्री ने पेश किया कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, अमित शाह बोले शुरू हुए 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला का नेहरू की गलतियां का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से 45,000 लोगों की जान चली गई। मनोज कुमार वर्मा बनाए गए कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर, रेप मर्डर केस में कार्रवाई के बाद विनीत गोयल की छुट्टी। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल बोले माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे हम गुनहगारों के पक्ष में। कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, कई इलाकों में लगा लंबा जाम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ गहरा गड्ढा, हादसे में बढ़ी आशंका। बिहार के बोधगया में भारी बारिश से उफान पर मुहाना नदी, गांवों में घुसा नदी का पानी, किसानों की फसलें भी हुई बर्बाद।